भाजपा को छोड़ करके खाली उसी को पेट में दर्द हो रहा है, बाकी सब लोग खुश है। क्यों चलनी दुसलक सूप के 75×6 उसमें खुद है, वो कैसे सवाल उठाएगा, वो पहले 16 करोड़ का हिसाब दे। नमस्कार, टू इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद दिल्ली में आज बिहार के वरिष्ठ नेताओं ने इसी किया था। हमारे साथ कन्हैया कुमार जी है, खुश है सर महागठबंधन की सरकार बिहार में बन गई है? अरे एकदम गदगद है, पूरा बिहार गदगद है। भाजपा को छोड़ करके खाली उसी को पेट में दर्द हो रहा है, बाकी सब लोग खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि बीजेपी जो आरोप लगा रही है ना, उस आरोप में कोई सच्चाई नहीं है, और बिहार की जनता बहुत समझदार है, इन बातों को समझती है, इसीलिए लोग खुश हैं। क्या लगता है कि सर बीजेपी से एक एक करके सारे उनके सहयोगी दल धीरे धीरे अलग हो रहा है, इसका मेन कारण क्या समझ? तो ये तो उनकी प्रवृत्ति में है ना। मोदी जी जो है अलग हो गए अपनी धर्मपत्नी से, अलग होने में ही वो विश्वास करते हैं। समाज को अलग करना, लोगों को अलग करना, दिलों को अलग करना, समुदायों को अलग करना है, इसी नफरत पे और विभाजन पे तो उनकी राजनीति टिकी हुई है। तो ये उनके स्वभाव में है। ऐसा होगा क्या कि आप गंदगी के पास खड़े रहेंगे और वहाँ से खुशबू आएगी? जिनकी मानसिकता है समाज को अलग करने की, वो सहयोगी दलों को अलग करेंगे ही। जी, एक सवाल है सर कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद लोकसभा चुनाव जो आगामी 2024 का होना है, उसको लेकर चर्चा शुरू हो, क्या बिहार ने अब देश को दिशा देना शुरू कर दिया? अभी बिहार में रोजगार की चर्चा होना जरूरी है, बिहार में शिक्षा की चर्चा होनी जरूरी है। रोजगार मांग रहे, अग्निपथ का विरोध कर रहे नौजवानों को जैसे फर्जी तरीके से जेलों में ठूस दिया है, उनको न्याय सुनिश्चित करना जरूरी है। भर्तियों में जो घोटाले हुए, उन घोटालों को ठीक करने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है, विकास के जो वादे हैं उसको ज़मीन पर लागू करना है, और विकास की गति को और आगे बढ़ाना है। इस पर चर्चा हो, लोकतंत्र जिंदा रहेगा तो चुनाव भी होंगे। और इसीलिए तो हम लोग बार बार कहते हैं कि मोदी जी जैसे देश के प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने कहा कि वो चाय बेचते थे, सचमुच में चाय बेचने वाला भी, जूता सिलने वाला भी इस देश के शीर्ष पद पे बैठे, लोकतंत्र की वो तासीर बची रहनी चाहिए। नीतीश कुमार जी ने स्वतंत्रता दिवस पर 20 लाख रोजगार का वादा किया था, बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है कि पैसे कहाँ से आएंगे? ये कौन बीजेपी को किस मुँह से सवाल उठाएगा? चलनी दुसलक सूप के 75×6 उसमें खुद है, वो कैसे सवाल उठाएगा, वो पहले 16 करोड़ का हिसाब दे। रोजगार की बात अगर प्रदेश का मुखिया कर रहा है तो उसका समर्थन करना चाहिए। एक अगर भाजपा चाहती है जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाए तो जो है उसका समर्थन करना चाहिए। ये कोई नकारात्मक बात तो नहीं है, सकारात्मक बात है। तो सकारात्मक बात पे टीका टिप्पणी करने वाले लोग समाज को पीछे ले जाने का काम। आखिरी सवाल है कि बिहार के कानून मंत्री जो कार्तिकेय मास्टर, उन पर सुशील मोदी इस्तीफा मांग रहे हैं कि उन पर अपहरण का चार्ज लगा हुआ है। सुशील मोदी पहले जो है उन पर हम क्या कहें आपको, मैंने वो जो है ये हम क्या कहते हैं, कोई नैतिक सवाल जो है वही उठा सकता है जिसके पास कुछ खुद कोई नैतिक आधार हो, है? जो तरीपार थे वो देश के गृह मंत्री बने हुए हैं और अपराध पे और आपराधिक मुकदमे पे नैतिकता की बात करते हैं, बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं। मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन भाजपा को ये नैतिक अधिकार नहीं है कि वो अपराध और आपराधिक मुकदमों के मामले में दूसरी पार्टियों पर प्रश्न खड़ा करे।